हजरत काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला, हुजूर ने फरमाया चलो तबूक पे मेरे साथ, सारे चलो, सब तैयार हो गए। हजरत काब बिन मालिक फरमाते मुझे घोड़ा बड़ा दौड़ाना आता था, नेजा बड़ा चलाना आता था, तलवार का मैं बड़ा धनी था, मैं मालदार भी था, मेरे पास बड़ी वसायल थे। हुजूर चले गए तो मैंने, ये बुखारी है, फरमाते हैं मैंने सोचा कि मैं चला जाऊंगा, कल मैं घोड़ा दौड़ाऊंगा, मैंने पीछे पहुंच जाना, परसों चला जाऊंगा, तरसों बस सुस्ती हो गई, ना जा सका। फरमाते वक्त बीत गया, हुजूर चले गए, आज जाता हूं कल जाता हूं, इसी में हालात सारे गुजर गए, हत्ता कि अल्लाह के रसूल वापस आ गए। फरमाते कुछ बूढ़े थे जो ना जा सके और कुछ मुनाफिक थे जो हुजूर के साथ जिहाद पे ना जा सके। आप फरमाते मैं जवान भी था, तीरंदाज भी था, और दुनिया अरब सारा जानता था कि मालदार भी है, अल्लाह ताला की दी हुई बड़ी नेमतें थी, मैं न गया और हो गलती गई, सुस्ती गई। फरमाते हुजूर मदीने में आए, जब मस्जिद नबी में बैठे तो मुनाफिक आके बहाने करने लगे, कोई कहने लगा बच्ची बड़ी बीमार थी, कोई कहने लगा हुजूर कल ही सही हुआ हूं। फरमाते मुझे भी पता था और पता मुस्तफा को भी था, झूठ बोल रहे, हुजूर को पता था पर वो बहाने करते, हुजूर कबूल करते, मैं चलो जाओ। कहा फरमाते एक मिनट के लिए मुझे भी वसवसा आया कि कोई बहाना ना कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा बहाना किसके सामने करूं, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने नबुव्वत की आंख अता फरमाई हुई है, उस महबूब के सामने बहाना। उस ख्याल आया मुसलमान नेक बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं, किधर बहाना करूं, हुजूर को तो सारा पता है। फरमाते में गया, हुजूर ने पूछा क्यों नहीं आए, और पूछा भी मुस्कुरा के, क्यों नहीं आया, मुस्कुरा के पूछा। फरमाते मैंने सच सच बोला, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सुस्ती हो गई, हुजूर गलती हो गई, जो बहाने लगा रहे थे उनको आजादी मिल गई, और मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। फरमाते हैं उनको छुट्टी मिल गई, मैंने कहा हुजूर गलती हो गई, तो नबी पाक ने फरमाया इससे कोई बंदा कलाम ना करे, खबरदार मेरे साथ भी गुफ्तगू ना करना। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं मेरा चचा जाद भाई, खाला जाद भाई सारे रहते थे, मैं किसी को सलाम लेता तो कोई जवाब भी नहीं देता था। फरमाते हैं मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने आता, पर सहाबाए किराम को हुजूर ने मना कर दिया तो मदीने की गलियां भी नाआशना हो गई। फरमाते मुझे यूं लगता था कि मदीने के दरो दीवार भी मुझसे कलाम नहीं करते, मैं वहां दुआ मंगया करो संगियो किते मुर्शद ना रुस जावे, ए जिन्ना दे पीर रुस जांदे ओ जीउंदे ही मरे रहंदे। का इस तरह लगा कि जैसे हालात बिगड़ गए सारे मेरे हक में। आप फरमाते मैं मस्जिद में आके बैठता तो जब मैं, मुझे पता था मैं जब आंखें उधर करता तो हुजूर मुझे देखते, और जब मैं नबी पाक को देखता तो हुजूर चेहरा फेर लेते, बोल पड़े ख्वाजा गुलाम फरीद साहब, कहने लगे मैं वेखा तो मेरा यार ना वेखे, जे मैं ना वेखा तो वेखे, एडे नसीब कितों तत्तड़ी दे ओ मेरे विच वेखन दे वेखे, गुलाम फरीदा ओ बुवे यार दे मरिए पावे वेखे या ना वेखे। आ फरमाते मैं सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो हुजूर रुखे अनवर फेर लेते। हजरत काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते एक हुजूर का हुक्म आया कि बीवी को अलहदा कर दो, बार पहले कोई नहीं बात करता, अब कहा बीवी को अलहदा कर दो, तो मैंने कहा हुजूर तलाक दे दूं, फरमाया नहीं मेके भेज दो, तलाक नहीं देनी। फरमाते बाल बच्चा भी चला गया, ना घर में कोई ना बाहर कोई, तने तनहा। आप फरमाते हैं जमाना जानता था, अरब के सूबों में बात फैल गई कि काब बिन मालिक जैसा सरदार मालदार घोड़सवार तीरंदाज नेजाबाज इतना बड़ा सियाना संजीदा आदमी जुदा कर दिया नबी पाक ने। फरमाते हैं गुस्सान के ईसाई बादशाह ने मुझे खत लिखा, हजरत काब फरमाते हैं बड़ी आजमाइश थी पर यह मुसीबत सबसे बड़ी थी। गुस्सान के ईसाई बादशाह ने खत लिखा, उसका आदमी मुझे ढूंढता फिरता मदीने में, मैं मिला तो खत उसने मुझे दिया, खत में यह नहीं लिखा था कि काफिर हो जाओ माजल्ला, यह नहीं लिखा था ईसाई हो जाओ, उसने खत में लिखा कि काब हमने सुना है तुम्हारे नबी ने तुम्हें छोड़ दिया, नाराज हो गए, तुम तो इस काबिल थे कि सूबे के गवर्नर बनाए जाते, तुम तो बड़े ओहदे के काबिल थे, तुम्हारी तो शोहरत है सारे इलाकों में, तुम आ जाओ हमारे पास।
हम तुम्हें बहुत बड़ा ओहदा दे देंगे। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं, अब मेरी चीखें निकली, अब मैं तड़प के रोया, मैंने वो उसका खाद पकड़ा और जलते हुए तंदूर में डाला और मस्जिद नबी में सर सजदे में रख के मैंने कहा, अल्लाह मेरा ईमान इतना ही मशकूक हो गया है कि काफर कहते हैं मैं उनके साथ मिल जाऊंगा, ऐ अल्लाह मेरा ईमान इतना मुश्किल काफर समझने लगे हैं कि मैं मुसलमानों को छोड़ के उनसे इत्तेहाद करूंगा। यहां लोग कहते हैं हमने प्रेशर के लिए उनको साथ मिलाया है, हमने प्रेशर के लिए काफर से समझौता करोगे, अपने भाई पर जुल्म करने के लिए बेईमानों के साथ दोस्ती करोगे। हजरत काब बिन मालिक फरमाते मैंने तंदूर में डाला, मैं तड़प के रोया, मैंने कहा अल्लाह मेरा इतना इम्तिहान ना ले के काफर सोचने लगे कि मैं उससे समझौता करूंगा, ऐ अल्लाह मेहरबानी फरमा, इतना इम्तिहान ना ले। रोते रोते घर गया, सहरी तक रोता रहा। एक आदमी दौड़ा आया, कहने लगा काब जल्दी चल, हजरत जिब्रील आ गए हैं, अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल फरमा ली है, रसूल पाक ने तुझे याद फरमाया है, चल आ जा। हजरत काब बिन मालिक फरमाते मैं कदमों में गिरा और मैंने कहा महबूबा मेरा सारा ही माल ले ले, हुजूर मेरी सारी सलाहियतें ले ले, रख ले सारा कुछ, मुझे वो माल नहीं चाहिए जो आपके दरवाजे से दूर कर दे। हुजूर वो दौलतें मेरे किस काम की जो आपके दरवाजे से दूर कर दे, बे नूर बे चराग जो महफिल हो फूंक दो, आजम बला से अपनी वो हस्ती ही क्यों ना हो, जो चीज उसकी राह में हायल हो फूंक दो। हजरत काब बिन मालिक रदी अल्लाह तआला ने एक मिनट के लिए भी काफर से समझौता करना पसंद ना किया, जब तो अल्लाह ने तौबा हजरत जिब्रील के जरिए नाजिल फरमाई। वमा अलैना इल्लल बलाग।